राजू 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 बड़ा है नटखट, भागता है फटफट, यहाँ से भागा वहां से भागा, फटफट फटफट। ये अद्भुत शायरी छोटा भीम नामक कार्टून में आप लोगों ने सुनी होगी, और मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो टाइटल में साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ लो जाके। जी हाँ, यहाँ पे हम 90s या फिर 2000s के कार्टून्स की बात करेंगे जो हमने हंगामा, पोगो, कार्टून नेटवर्क और कभी कभी दूरदर्शन नेटवर्क पे भी देख के अपना बचपन ब्लेस किया। और माफ कीजिए, मैं यहाँ पे कार्टून्स की नहीं, कार्टून्स के थीम सॉन्ग्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पे मैंने 10 ऐसे कार्टून्स के गानों को सेलेक्ट किया है जो मुझे म्यूजिकली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अब वो गाने कौन से हैं और क्यों इंटरेस्टिंग लगे मुझे, यही बताने के लिए मैंने ये चैनल खोला हुआ है। तो जो लोग यहाँ पे सिर्फ कंपाइलेशन देखना है उन लोगों का भी हार्दिक स्वागत है यहाँ पे। बस बात यह है कि वो लोग यहाँ से कुछ सीख के नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो सब्सक्राइब करके चले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं ये लिस्ट विदाउट एनी रैंकिंग ऑर्डर। सबसे पहले शुरू करते हैं बॉब द बिल्डर नामक कार्टून से। अब जिन लोगों को ये कार्टून नहीं याद, इस कार्टून के कैरेक्टर्स कुछ साबूदाना की आइसक्रीम की तरह लगते थे, और जेसीबी होता था, क्रेन होती थी, सिविल इंजीनियर कुछ, मतलब छोड़ो। थीम सॉन्ग की अगर मैं बात करूं, इट्स अ वेरी वेल मेड सॉन्ग जिसमें पूरा बैंड सेटअप यूज किया गया है, पूरा बैंड अरेंजमेंट यूज किया है, बेस गिटार से लेकर इलेक्ट्रिक गिटार से लेकर ड्रम किट तक, एंड द कॉम्पोजिशन इज वेरी फैंटास्टिक एंड कैची। और म्यूजिकल इंटरेस्टिंग चीज ये है इस गाने में कि इस गाने में स्केल चेंज होता है, एंड में एक स्टेप ऊपर चला जाता है ये गाना एंड में। ये प्यारा जमखट Which makes this song musically very interesting. हम तब ये चीजें ध्यान नहीं देते थे, बट अब अगर सुने हम इन गानों को तो पता लगता है कि भाई साहब इनमें भी काफी मेहनत की गई है। अगला कार्टून ड्रैगन टेल्स। अब जिन लोगों को ये कार्टून नहीं याद, मैं चाहूं पूरे दिल से मैं ये चाहूं कि ये कार्टून तुम्हें याद आ जाए। दो बच्चे होते थे, एक पत्थर सूंघ के उन्हें ड्रैगन दिखने लगते थे बस। थीम सॉन्ग की बात करो तो एक बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन बनाई गई है, इट साउंड्स वेरी मधुर एक्चुअली। काफी वेरिएशंस दिए गए हैं, काफी डिटेल्ड कॉम्पोजिशन है ये। और हार्मनीज यूज की गई है गाने में, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। डोरेमोन पकड़ लो। अब जिनको ये कार्टून नहीं याद, वो या तो जिंदा नहीं है या तो उन्होंने कभी जिंदगी में टीवी देखने की कोशिश नहीं की। दिस सॉन्ग हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्पोजिशन है इस गाने की, एक बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा है सारी कॉम्पोजिशन को। इट हैज़ अ वेरी कामिंग साउंड, बहुत शांति देने वाला गाना है एक्चुअली ये। तो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग। और जो इसका एंडिंग सॉन्ग होता था वो क्या था, वो चाहे बच्चे या बड़े सबका ये दुलारा है बड़ा ही भैंसा डोरे मोटा डोरेमोन, तो वो गाना भी बड़ा अच्छा था। वो भी ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से कंपोज किया गया था और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से अरेंजमेंट के साथ बनाया गया है। अब बात करते हैं डोरेमोन के एक मल्टीवर्स के वेरिएंट की जिसका नाम है कितरेत्सु। अब जिन लोगों को ये कार्टून नहीं याद, उन लोगों ने इस कार्टून की जगह डोरेमोन देखा होगा या फिर निंजा हथौड़ी देखा होगा, क्योंकि ये सब भाई भाई हैं मतलब आपस में। इसके जैसा इन्वेंटर ना कोई, थोड़ा सा है। The theme song of this cartoon. Wow, what a beautifully made song यार। इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन बनाई है यार इस गाने की, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया यार, हुक दिया गया जो कि बहुत कैची साउंड करता है। वो चला, कभी आते जाते रस्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में। नॉस्टैल्जिक फैक्टर है उस गाने में, मतलब वो नॉस्टैल्जिक इसलिए भी सुनाई देता है क्योंकि आपने बचपन में से सुना है, बट वो एज अ म्यूजिकल प्रोडक्ट इट इज नॉस्टैल्जिक, वो बनाया ही ऐसा है कि वो नॉस्टैल्जिक साउंड करे। और म्यूजिकल इंटरेस्टिंग बात यह है इस गाने की कि इस गाने के एंड में भी स्केल चेंज होता है, एक स्टेप ऊपर चला जाता है ये गाना। बात करते हैं पोकेमोन की। नहीं, यूपी वालों, पोकने से कोई मतलब नहीं है इस कार्टून का। ये इस कार्टून में छोटे छोटे बच्चे जानवरों को बॉल में पकड़ के घुमा करते थे और उनको लड़ाया करते थे आपस में। बॉल में जानवर आ गया वो तो ठीक है, फिर बॉल और छोटी हो जाती थी तो जानवर और छोटा हो जाता था। खैर, नेवर माइंड, द थीम सॉन्ग ऑफ पोकेमोन अनडाउटेडली इज द बेस्ट सॉन्ग एवर। आई वांट टू बी द वेरी बेस्ट लाइक नो वन एवर वाज। इसके गाने मैंने डाउनलोड कर करके रखे हुए हैं और मैं सुनता हूँ क्योंकि दे आर रियली वेल मेड सॉन्ग्स यार। म्यूजिकली प्रॉपर एक बैंड का सॉन्ग लगता है ये गाना, स्पेशली द इंडिगो लीग का गाना। पोकेमोन के काफी सारे सीजन्स आए हैं, काफी सारे गाने आए हैं और सभी गाने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। पता नहीं कौन बना रहा है इनके गाने, बट जो भी बनाता है यार, फैंटास्टिक। लिसन टू द वोकल्स मैन, लिसन टू द अरेंजमेंट, लिसन टू द हार्मनी।
across the land, searching far and wide. It's you and me. I know it's my destiny. क्या बना दिया भाई ये? कार्टून का गाना ही बनाने की सोची थी ना, क्या है ये? इतना कैसे मेहनत कर ली? Each and every season of Pokemon, Orange Island का song, Johto League के songs. एक नई दुनिया बनाएंगे. मतलब पोकेमोन के गानों के लिए अलग से वीडियो बन सकती है. तो पोकेमोन से निकल के आते हैं शिनचैन के पास. शिनचैन को तो सब लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें म्यूजियम में रखा जाएगा. कॉन्ग्रेट्स. इट्स एन एब्सोल्यूट मैड कॉम्पोजिशन. कुछ भी हो रहा है बट इट्स स्ट्रक्चर्ड. ये एक हुक लाइन तक पहुंचता है गाना और वो हुक लाइन बहुत कैची बनाई गई है. और अरेंजमेंट में दबा के प्रकाशन मारे हैं भाई साहब. सब कुछ डाल दिया जो मिला हाथ में, सब डाल दिया उन्होंने. बट बहुत अच्छा अरेंज किया है साउंड्स को. और इसका जो एंड थीम सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा बनाया है. बहुत कॉम्प्लेक्स सा गाना है वो. बात करते हैं अब निंजा हथौड़ी की. अब जो लोग ये कार्टून नहीं जानते हैं बस इतना जान लो कि हथौड़े से कोई लेना देना नहीं है इस कार्टून का. इसकी कॉम्पोजिशन ना सिर्फ बहुत अच्छी है बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाई? बिकॉज एक अजीब से स्केल में है ये गाना. ये ना तो मेजर स्केल है और ना ही एक प्रॉपर माइनर स्केल है. ये कुछ जहां तक मुझे समझ में आता है, मेरे ख्याल से ये किसी इंडियन राग से मैच करता है या फिर सिंपली ये डी माइनर स्केल पे भी हो सकता है गाना, या फिर ये किसी ट्रेडिशनल जैपनीज कॉम्पोजिशन में बेस्ड हो सकता है. बट जो भी है ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है. और अब बात करते हैं बेंटन की, द ओजी बेंटन. अब जिन लोगों को वो नहीं पता उनको ये बताने कोई फायदा नहीं है कि मेरा फेवरेट एलियन एक्सेलरेट था. बट बाकी सब छोड़ो, ये गाना किसने गाया था? सुनिधि चौहान ने. और बहुत ही फाड़ू गाया था. कॉम्पोजिशन की बात करें तो भयंकर कॉम्पोजिशन बनाई है. अरेंजमेंट की बात करें तो भयंकर अरेंजमेंट दिया है. बहुत ही पावरफुल गाना बनाया है ओवरऑल ये. काफी परकसिव अरेंजमेंट है बट इट साउंड्स लाइक अ प्रॉपर सॉन्ग. मतलब सुन के ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी सीरियल के लिए ही बनाया गया है या फिर किसी कार्टून के लिए ही बनाया गया है. मतलब सुन के लगता है कि ये गाना है अपने आप में, अगर आप लिरिक्स पे ध्यान ना दें तो. द जंगल बुक की बात कर लेते हैं. द ओजी जंगल बुक कार्टून जो आया करता था, जिसका थीम सॉन्ग ये कल्ट सॉन्ग हुआ करता था. सच अ कामिंग कॉम्पोजिशन. और क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं यार, फ्लूट वगैरह. बहुत अच्छी वाइब बनाई है इस गाने की. इसकी कॉम्पोजिशन भी काफी वेल स्ट्रक्चर्ड है, काफी डिटेल्ड कॉम्पोजिशन है. और बेंटन की तरह इस गाने से भी एक प्रॉपर सॉन्ग वाली वाइब आती है कि हाँ ये एक अलग से एक गाना है ये. अब बात करते हैं लास्ट फ्रॉम द लिस्ट, कोची कामे. अब जिनको ये नहीं पता, ये एक जापानी पुलिस चौकी पे बेस्ड कार्टून है, यानी FIR का कार्टून वर्जन लगा लो बस. पर थीम सॉन्ग की बात करें तो यार इट्स अनदर मैड सॉन्ग यार. कॉम्पोजिशन इसकी मैड है, अरेंजमेंट मैड, वोकल्स मर रहे हैं भैया गाते गाते, ऐसा लग रहा है. इतना खतरनाक गाया है ये गाना. लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन कैन बी हर्ड, कोई जगह खाली नहीं छोड़ी है गाने में. और वोकल्स का शोषण हुआ है भाई साहब, स्क्रीमिंग वोकल्स. मेन लीड वोकलिस्ट से कैसे करके गवाया गया है, किस तरह का वॉइस स्ट्रक्चर से गवाया गया है गाना. ये गाना कितना मुश्किल रहा होगा ये सोचो आप. और इस गाने में लास्ट में वो क्या बोलता है मुझे आज तक समझ नहीं आया. जो भी समझ में आता था मुझे वो बहुत गलत लगता था, वो मैं लिख के दे देता हूँ. तो इससे पहले इस लिस्ट को मैं एक रैंकिंग ऑर्डर में सजा दूं, ये रहे कुछ ऑनरेबल मेंशंस. मस्ती करके भी ये गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, हो जाती है बच्चे बड़े बोर. तो ये थे वो 10 गाने जो कि मैंने किसी रैंकिंग ऑर्डर में नहीं बताए थे आप लोगों को, ताकि जो लोग पूरा वीडियो एंड तक नहीं देखते उनका कट जाए.
तो आइए नजर डालते हैं मेरी रैंकिंग पे। नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से होगा शिनचैन का थीम सॉन्ग, व्हिच इज ऑन नंबर 10 बिकॉज़ थोड़ा सा म्यूजिकली कम क्रिएटिव लगा मुझे ये गाना। नंबर 9 पे अगर मैं आऊं तो वो आएगा ड्रैगन टेल्स का गाना। अरेंजमेंट इस गाने का थोड़ा और बेटर हो सकता था, और अगर वो बेटर होता तो और ऊपर होता ये गाना लिस्ट में। नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो बॉब द बिल्डर का थीम सॉन्ग आएगा यहां पे। इट्स अ लिटिल लेस म्यूजिकल इन द मिडिल, सो दैट्स व्हाई इट्स सो डाउन इन द लिस्ट। नंबर 7 पे अगर मैं आऊं तो आएगा डोरेमोन का थीम सॉन्ग। अब ये नंबर 7 पे इसलिए क्योंकि लिस्ट में इससे ऊपर वाले गाने ज्यादा अच्छे हैं। नंबर 6 पे आते हैं फिर निंजा हथौड़ी का थीम सॉन्ग नंबर 6 पे आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे भी ऊपर वाले ज्यादा अच्छे हैं। नंबर 5 पे अगर कोई गाना आता है तो वो आता है कोची कामे का थीम सॉन्ग। इट्स अ ग्रेट सॉन्ग ओवरऑल, दैट्स व्हाई इट्स ऑन नंबर 5। नंबर 4 पे अगर मैं आऊं तो मेरे लिए आएगा द जंगल बुक का थीम सॉन्ग, व्हिच इज अनदर ग्रेट सॉन्ग ओवरऑल। अब नंबर 3 पे अगर मैं आऊं तो नंबर 3 पे मेरे लिए आता है कितरे सू का थीम सॉन्ग एंड द कंपोजिशन इज सो गुड। नंबर 2 पे अगर मैं आऊं तो आएगा बेन 10 ओवरऑल ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सिंगिंग, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग। तो नंबर 1 कार्टून थीम सॉन्ग मेरे लिए है नन अदर देन पोकेमॉन इंडिगो लीग का थीम सॉन्ग, और मेरे लिए तो पोकेमोन के सारे गाने नंबर 1 पे हैं क्योंकि दे आर रियली रियली वेल मेड, रियली वेल मेड सॉन्ग्स। तो ये तो थी मेरी टॉप 10 रैंकिंग लिस्ट, और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। मैं हमेशा की तरह एक बोनस रखता हूँ अपनी वीडियो में, और बोनस यहाँ पे भी है। द बोनस इज द पिंक पैंथर शो का थीम सॉन्ग। जिनको ये कार्टून नहीं पता, ये थोड़ा फनी, थोड़ा कलरफुल, थोड़ा क्रीपी भी होता था कभी कभी, ऐसा था एक कार्टून ये। जिसका थीम सॉन्ग एक बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है। इट्स अ जैजी अरेंजमेंट सॉन्ग जो कि सैक्सोफोन की लीड पे बजता है, और बहुत बढ़िया कंपोज किया है इस गाने को क्रिस्टोफी बेक ने, जो कि आज मार्वल की मूवीज में म्यूजिक दे रहे हैं। बट पिंक पैंथर के गाने की अगर बात करें तो इट वॉज अ ब्रिलियंटली अरेंज्ड सॉन्ग। नाउ दिस इज इट फॉर द वीडियो, और अपने अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और भूल जाओ तो याद ना करें, चुपचाप चले जाएं यहां से, बट सब्सक्राइब करके जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। आ गया नॉडी नॉडी पीपी करके बोले पम पम पम।